हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिशन बुनियाद की वर्कशीट नंबर है Day 3 and 4 के लिए। तो चलिए इस वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पे, संख्याओं के अनुसार दी गई आकृतियों से मिलान करें। तो बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ संख्याएँ दे रखी हैं और यहाँ पे आप देखेंगे हमें कुछ आकृतियाँ दे रखी हैं, कुछ फल दे रखे हैं, कुछ चीज़ें बना रखी हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन संख्याओं को गिनना है और इन संख्याओं को हमें फलों या चित्रों के साथ मिला देना है। ठीक है, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहला नंबर है यहाँ पे 2। अब हम क्या करते हैं, इन आकृतियों को गिन लेते हैं। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 8। तो इसको हम किसके साथ मिला देंगे बच्चों, इसके साथ मिलाएंगे। ठीक है, अगली आकृति में देखेंगे 1 2 3, यहाँ पे कितने चित्र बने हुए हैं, तो यहाँ पे बने हुए हैं बच्चों 3 चित्र। तो इसको हम किसके साथ मिलाएंगे, इसको साथ हम मिलाएंगे संख्या 3 के साथ। तो देखिए यहाँ पे है संख्या 3। ठीक है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6, ये आकृति कितनी है, 6, और संख्या 6 कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे साइकिल बना हुआ है, 1 2 2 साइकिल है, तो इसको हम मिलाएंगे संख्या 2 के साथ। तो संख्या 2 कहाँ पे है, यहाँ पे। नीचे हमें स्कूटर्स दे रखे हैं, कितने हैं, 1 2 3 4, तो हमें इसे मिलाना है संख्या 4 के साथ। संख्या 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा हुआ है, दिए गए चित्र को गिनकर सही संख्या पर गोला लगाइए। हमें नीचे कुछ चित्र दे रखे हैं, देखो यहाँ पे सेब बना रखा है, यहाँ पे आम बना रखा है और यहाँ पे वाटरमेलन यानी कि तरबूज बना रखा है। हमें इनको गिनना है और उसके नीचे जो संख्याएं दे रखी हैं तो हमें सही संख्या पर गोला लगाना है। ठीक है, तो चलो इसको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितनी संख्याएँ हैं, ये हैं 8। तो हम क्या करेंगे, संख्या 8 पर गोला लगा देंगे। ठीक है, तो संख्या 8 यहाँ पे, इस पे हमने गोला लगा दिया। अगले चित्र पे आते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये कितने हैं, 6। तो संख्या 6 कहाँ पे लिखी हुई है, ये है पहली संख्या। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अगले चित्र पे, 1 2 3 4 5, ये कितने चित्र हैं बच्चों, 5। अब हमें देखना है कि संख्या 5 कहाँ पर लिखी हुई है, तो आप देख सकते हैं संख्या 5 लिखी है यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा हुआ है बच्चों, चिन्हों को समझते हुए हल कीजिए। आपको क्या करना है, जो यहाँ पे चीज़ें बना रखी हैं, जो आकृतियाँ बना रखी हैं, पहले उनको गिनना है। अब देखो पहले तो ये निशान देखना है, ये किस चीज़ का निशान है, ये है जमा का निशान। ठीक है, तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितनी बॉल हैं, 6, यहाँ पे हैं 7 8 9, टोटल बॉल कितनी हो गई, 9, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन, यहाँ पे केले बना रखे हैं, कितने केले हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे 1 8, तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे। ठीक है, चलो इसके नीचे वाले सवाल देखते हैं। इसके नीचे देखो सवालों में हमें क्या कह रखा है, निशान पर ध्यान दीजिए, निशान है ये वाला, इसका मतलब घटा का निशान है। घटा का निशान है तो पहले हम ऊपर कितनी आकृतियां हैं उनको गिनेंगे, नीचे कितनी आकृतियां हैं उनको गिनेंगे और फिर घटा देंगे। पहले हम आकृतियों को गिन लेते हैं, देखिए ध्यान से इसको पहले हम जूम कर लेते हैं थोड़ा। देखिए अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो हम आसानी से पेन को गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये कितने पेन हो गए, 7। नीचे के पेन को हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये कितने पेन हो गए, 5। अब 7 में से 5 को घटाएंगे कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2, यानी यहाँ पे हमें नीचे की साइड आंसर क्या लिखना है बच्चों, हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे 2। ठीक है, अब अगली संख्या में देखें तो हमें तितलियाँ दे रखी हैं अगले क्वेश्चन में, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे हमने काउंट किया 8 है। नीचे कितनी तितलियाँ हैं, 1 2 3, 3 तितलियाँ हैं, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। अब 8 तितली में से मान लो 3 तितली को हमने हटा दिया,
इधर तीन तितली है तो हम तीन ऊपर की तितली को काट देते हैं, एक दो तीन, तीन तितली को काट दिया तो अब हमारे पास कितनी तितलियाँ बची हैं, एक दो तीन चार पाँच, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, पाँच आ जाएगा। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न भी हमने हल कर लिया। अब आ जाते हैं हम चौथे प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न में हमसे क्या कहा हुआ है, चिन्हों को समझते हुए हल करें, हमें इन सवाल को हल करना है और चिन्ह का ध्यान रखना है। यहाँ देखो कौन सा चिन्ह है, ये चिन्ह है जमा का। ठीक है, जमा का है, इसका मतलब हमें दोनों संख्याओं को जोड़ देना है, मिला देना है। यहाँ पे है चार, यहाँ पे है पाँच, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथ पे चार उंगली खोलेंगे, फिर अपने दूसरे हाथ पे पाँच उंगली खोलेंगे और टोटल उंगलियों को गिन लेंगे, आंसर आ जाएगा नौ। ठीक है, यहाँ पे है पाँच, यहाँ पे है तीन, फिर से आप ऐसे करेंगे, एक हाथ में पाँच उंगली खोलेंगे, दूसरे हाथ में तीन उंगली खोलेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा आठ। ठीक है, अब अगला नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसमें ध्यान दीजिए, निशान कौन सा है, ये घटा का निशान है। तो इसका मतलब पहले आप छः उंगली खोलेंगे, फिर उसमें से दो उंगली को बंद कर देंगे, तो अब बची हुई उंगलियों को गिनेंगे तो आंसर आ जाएगा चार। ठीक है, सेम ऐसे ही अगले सवाल के लिए पहले आप आठ उंगलियों को खोलेंगे, फिर उसमें से दो उंगली को बंद कर देंगे, तो बची हुई उंगलियां आपके पास अगर आप गिरेंगे तो पता चलेगा आंसर आ जाएगा छः। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों प्रश्न हल हो गए। अब आते हैं हम पाँचवें सवाल की तरफ। अब पाँचवें सवाल में ध्यान से पढ़ेंगे क्या दे रखा है, दीपक के पास आठ रुपये थे। ठीक है, यदि उसने पाँच रुपये का एक गुब्बारा खरीद लिया तो बताइए कि दीपक के पास अब कितने रुपये बचे। तो पहले हम क्या करेंगे, आठ रुपये हैं, आठ रुपये में से पाँच रुपये तो उसने खर्च कर दिए, अब बचे कितने, तीन रुपये। तो पहले आप आठ लेंगे, उसमें से पाँच को घटाएंगे, तो आठ में से अगर आप पाँच को घटाते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा तीन। इसको वापस आप अपनी उंगली पे हल कर सकते हैं, पहले आठ उंगली खोलेंगे, फिर पांच उंगली को बंद कर लेंगे, बची हुई उंगलियों को आप गिन लेंगे। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाएं, पाँच रुपए की एक कलम तथा पाँच रुपए की पेंसिल खरीदी। ठीक है, कोमल है, एक लड़का है जिसने क्या किया है, पाँच रुपए का एक पेन खरीदा है और पाँच रुपए की पेंसिल खरीदी है, तो हमें ये बताना है कि कोमल ने कुल मिला के कितने रुपए खर्च किए हैं। तो देखो कोमल दुकान पे गई, उसने पहले पाँच रुपये का क्या किया, एक पेन खरीद लिया, तो पाँच रुपये खर्च हो गए, फिर उसने पाँच रुपये का की पेंसिल और ख़रीद ली, यानी पाँच रुपये फिर से खर्च हो गए। तो यानी कि आपको एक हाथ में पाँच उंगली खोलनी है, फिर दूसरे हाथ में भी पाँच उंगली खोलनी है और फिर इनको गिन लेना है, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा दस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट सॉल्व होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन से आपको हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।